लोग, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. आई एम डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. एंड आज है दुर्गा अष्टमी, तो आज मम्मी अपने नवरात्रों के व्रत खोलेंगी. ये अंदर ये लोग शोर मचा रहे हैं, पहले मैं इन लोगों को दिखा देती हूँ. क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कौन सी लड़ाई, ये कौन सी लड़ाई हो रही है भाई. हटो, चलो ऐसे नहीं लड़ते, हटो हटो. और ये टीवी में इन्होंने पता नहीं कौन सा आजकल ये गाने, इंग्लिश गाने सुन रहे हैं. हट जा बेटी, नहीं ऐसे मत करो, शोर मत. आई वॉज सेइंग कि आज है दुर्गा अष्टमी, आप सभी लोगों को दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं. और आज ही मम्मी अपने नवरात्रों के व्रत खोल रही है, तो वही मैं अभी भोग बनाने की तैयारी कर रही हूँ. हम लोग कन्या तो नहीं बिठाएंगे, तो बस हम भोग बनाएंगे और गाय का खाना निकाल देंगे, तो इसलिए मैं अभी वही तैयारी कर रही हूँ. मैंने पूड़ी का आटा मैंने लगा कर रख दिया है, और यहाँ पर अभी मैं हलवा बनाने वाली हूँ. तो लेट्स स्टार्ट. जब ऐसे पूरी तरीके से किनारे छोड़ने लग जाए तो मतलब हमारा हलवा रेडी है. ये है दशहरे का दिन और हम लोग शाम को जा रहे थे इंडिया गेट. हम लोग कहीं रावण दहन के लिए नहीं गए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और अमित का मानना है कि हमें भीड़ भाड़ वाली जगह को बहुत अवॉइड करना चाहिए, तो वो कभी भी हमें ऐसे वाली जगह पर नहीं जाने देते. एंड तो हम लोग इंडिया गेट गए क्योंकि हमें लगा कि शायद वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश नहीं होगा. एवरीवन. एंड मैंने उस दिन के बाद से कोई ब्लॉग ही नहीं बनाया, अपलोड भी नहीं किया, 3-4 दिन हो गए हैं. तो हाँ, आज हम दशहरे के दिन रावण देखने तो नहीं गए, बट हम इंडिया गेट पे आए हैं क्योंकि मेरा बहुत दिन से मन था कि जब से ये रेनोवेशन हुआ है तब से ही मेरा मन था कि हम लोग जाएं, और आज हम आए हैं. एंड काना इज हियर, काना से हेलो. और हमारे साथ टोनी भी आया है, तो हम लोग अभी चलते हैं. अभी तो हमने यहाँ पार्किंग में बाइक खड़ी करी है और अब हम उधर चलते हैं. हेलो, से हेलो. हेलो. लाइटनिंग्स वगैरह तो इतनी अच्छी कर दी है ना. अरे यहाँ पर थकना नहीं होता बेटा, देख पीछे देख. ऑल्सो ये एक अंडरपास बन गया है यहाँ पे रोड क्रॉस करने के लिए. पहले रोड पे से ही क्रॉस करते थे, तो पहले ऊपर वहाँ रोड से क्रॉस करके जाते थे, अब ये अंडरपास बना दिया ताकि ट्रैफिक भी हैम्पर ना हो और लोग भी आसानी से जा सके. इसको देखो, ये तो अपनी सवारी पे बैठ गया है. अंडरपास की दीवारों पे ये पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम का पिक्चराइजेशन किया गया है यहाँ पे, कि सारे कैसे सारे गार्डन्स को रेनोवेट किया, सब कुछ सारे जो लेक्स सॉरी जो वाटर बॉडीज है यहाँ पे
कैनाल्स जो है उनको सारे को कैसे रेनोवेट किया, फाउंटेन्स को कैसे रेनोवेट किया, वो सब कुछ यहाँ पे दिखाया है अंडरपास के अंदर। और यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे। इतनी देर से कुछ नहीं कह रही, अब खिंचवा रहे हैं, उसके बाद बैठ जाओ, उसके बाद लौट जाओ। यार हम लोग ना यहाँ पे फोटोग्राफी करा रहे थे, हमें आके उठा दिया कि बहुत हो गई अब चलो। और बोला क्यों? क्योंकि अब पहले खड़े होकर ले लिया, अब कह रहे बैठ के भी लो। हाँ तो चल इसका भी खींच दे। हाँ अभी उसकी भी करती, अब हमें यहाँ से हटाएंगे लोग। हाँ हाँ बहुत अच्छा बना है यार। पास ओके। हम लोग एक्चुअली पीछे की तरफ से आए क्योंकि हम लोग पहले ना टॉयलेट गए थे, एंड वाइब तो यार हमेशा ही अलग होती है इंडिया गेट की। कुछ रील्स शूट कर रहे थे, आपने नहीं देखी है तो आप इंस्टाग्राम पे देख लीजिए, मैं लिंक दे दूंगी इंस्टाग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में। और मेरे फोन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, बट सामने है अनीता जी सुभाष चंद्र बोस उधर। हमारा बच्चा खो गया। अच्छा ये रहा हमारा बच्चा, इसे कुछ खिला दो भाई पहले। हाँ इसे भूख लग गई, पर यहाँ पे अंदर नहीं मिलेगा। तो नहीं चल पहले इसे कुछ खिला दो। हम लोग काना को बोल रहे हैं कि ये ले ले, अब पता नहीं लाइट जलती है ना। जैसे अंकल के सर पे लगे ना ऐसे जलेंगे, देखो जैसे अंकल के सर पे लगे ऐसे, ये नहीं। यहाँ पर काफी सारे ऐसे लाइट वाले टॉयज मिलते हैं, पर प्राइस कंपैरेटिवली काफी हाई है। दशहरे वाले मेले में ये काफी सस्ते मिल जाते हैं हम लोगों को शायद। ये सही है, ये कितने का भैया? लाइट वाला पोल। अब एक चीज थोड़ी सी यहाँ पर बदल गई है कि अब यहाँ पर ना वेंडर्स नहीं रहते, वो खाने वाले शायद, क्योंकि मुझे एक भी नहीं दिख रहा है। और कान्हा को भूख लगी है। हमने सोचा है कॉटन कैंडी यही ले लेते हैं, बुढ़िया के बाल। कितने का भैया? एक दे दो, ले लो ले लो ये लो। ओके। और ये बहुत ही दूर चल के, मतलब बहुत दूर क्या, काफी इधर आने के बाद हमें ये आइसक्रीम वाले मिले हैं, एंड यहाँ पर हम बैठ के कर रहे हैं आइसक्रीम और चिप्स खाने खा रहे हैं हम लोग। गोलगप्पे खाएंगे, एक भेलपूरी खाई हमने, बाकी सारे लोग भी यहीं पर ही बैठे हुए हैं। तो हम पानी पत्थर से खाने आ गए भाई। ये
देख के गिरा रहा थी। थैंक यू। के बाद हमारे पास कैश की शॉर्टेज हो गई थी क्योंकि हमारे पास पार्किंग में देने के लिए पैसे भी नहीं बचे थे। खट्टा है तो बहुत सही है, मैंने पहली बार खाया ये। मम्मा इसको कहते हैं कमरक, अमरक पता नहीं क्या कहते हैं, पर ये नया स्टार फ्रूट जैसा सा, स्टार फ्रूट ही कहते हैं शायद इसका नाम, तो अच्छा लगा ये। मम्मा यस बेटा, मम्मा तो बैठ के ही खाएगी, अपने आप तो बैठ के खा लिया है, अब मेरे को कह रहा है। और आजकल पता नहीं कानों को ये नया शौक चढ़ा है कि आजकल झूठा नहीं खाता, तो अपनी इसकी आइसक्रीम नीचे टपक टपक के गिर रही है, पर ये हमें चाटने नहीं दे रहा है यार, खाने नहीं दे रही, कहले चाटने। हाँ मतलब यार ये झूठा, ये झूठा ही नहीं खाता है आजकल। और ये देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये ना दूब घास है जो हम पार्क में बैठे हैं यहाँ पे, और जो भी लोग करवा चौथ मनाते हैं उनको पता होगा कि जब कहानी सुनते हैं तो दूब घास को ना हाथ में लेके कहानी सुनते हैं, तो हमारे यहाँ ना दूब घास मिलनी मुश्किल हो जाती है, हमारे पास है नहीं, तो अभी मैंने क्या किया है कि हम ये तोड़ के लेके जाएंगे, मैं घर पे गमले में लगा लूंगी, मतलब मुझे अभी बैठे बैठे आइडिया आया, तो करवा चौथ तक ये थोड़ी सी हो जाएगी, मतलब मेरे लायक हो जाएगी। तो देखो कोई कुछ चोरी करता है, कोई कुछ चोरी करता है, हम लोग यहाँ से पार्क से घास चोरी कर रहे हैं। एक दो डंडी भी हो जाएगी ना अगर, तो मेरा काम चल जाएगा उसी से, बस ज्यादा भी मत कर, गड्ढा होगा बस यहाँ। आइसक्रीम खाने के बाद अब इसको, क्योंकि कसाटा थोड़ी अलग दिखी, तो अब इसको ये वाली खानी है, और घर जाके फिर खासना है जो काम तो काम। नहीं अच्छी लगी, नो आप ही खा लो। तो इसने फाइनली ये सींग ले लिया है। ओह वाह, तो बस अभी हम खा पी लिए, एक राउंड ले लिया इंडिया गेट का, अब हम चलते हैं वापस। भाई पानी पिया दिए, चला गया चला गया साइड से, भेलपुरी भेलपुरी। और घास में चलना अलाउड नहीं है, तो सारे लोगों को जो वॉकवे ऐसे बने हुए हैं पाथ, उसी पे चलना है, बाकी पीछे बाय बाय। काना तो बीच में बाइक पे सो ही गया था, इसको बाइक पे बैठते बहुत ज्यादा नींद आती है, और घर आके ये देख रहा है अपना ये जो लेके आया वहां से। खिलौने ऐसे ही बेड पे फैला के गया था, तो आते इसको सारे खिलौने ऐसे ही मिले हैं। बस अच्छा ठीक है ओके। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं घर पे, जिंजर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है यार, एंड बस अच्छा रहा आज का दिन, मज़े करे, खाया पिया और आ गए वापस टाइम से, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।